पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन की ओर से महानगर के ड्राइविंग 24 में बूथ अभियान और क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने अपने जिसमें केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देनी है। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने कहा कि वोट बनवाने हैं और फर्जी वोटरों को कटवाना है। इनमें 3 लाख कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में बूथ का कार्य कर रहे हैं। 1 से 30 जून तक ये कार्य पूरे करने हैं। 1 अगस्त से 11 अगस्त तक बूथ मतदाता सूची डिक्लेयर होगी। 31 अक्टूबर तक वोट बनवाने का कार्य चलेगा। 4 जनवरी 2019 को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन होगा। हाल ही में उपचुनाव में पार्टी को हार और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हलचल शुरू हो गई। इसीलिए अभी से कार्यकर्ताओं का मन टटोलने और कमजोर चीजों को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत बुधवार को मुरादाबाद में भाजपा के पश्चिम क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे। उनके साथ ही पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल और मेयर भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पार्टी की हार पर कहा कि वहां हालात चुनौतीपूर्ण थे, फिर भी पार्टी ने बेहतर किया। हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और आगे पार्टी अच्छा करेगी। कैराना नूरपुर उपचुनाव में पार्टी की हार मार्जिनल है। वहीं इस सवाल पर कि इस उपचुनाव में लोगों ने भाजपा के विकास को नकार दिया, तो महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि नहीं, लोगों ने पार्टी के विकास को स्वीकार किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगे की तैयारियों को लेकर काम चल रहा है, आज इसीलिए ये समीक्षा और कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। स्वाभाविक संगठनात्मक क्षेत्रीय बैठक, इसमें क्या विचार होने हैं और क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या संगठन की आगे संगठनात्मक गतिविधियां, प्रदेश स्तर के संगठन के निर्णय है, विशेष संपर्क अभियान है, मतदाता पुनरीक्षण है और चौपाल के कार्यक्रम जो पिछले दिनों ग्राम स्वराज अभियान में चला था, उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला, तो एक बार फिर चौपाल के कार्यक्रम चल रहे हैं। सर, कराना और समीक्षा है, क्या कहें 2019 से जोड़कर देखा जाए इस बैठक? 2019 के लिए अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, विकास भी था और चुनाव के परसेंटेज खुद बता रहे हैं कि विकास को स्वीकारता मिली है। चुनौतीपूर्ण समीकरण थे, थोड़ी सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, आगे उससे समीक्षा कर हम आगे बढ़ने वाले। लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारी की बात कह रही थी कि हमने बहुत खास तैयारियां की हैं और इस बार बीजेपी चुनाव जीतेगी, इससे पहले भी 2 सीटें हार चुके हैं, उसके बाद मार्जिनल हार है, तैयारियां बेहतर थी, आगे इन सब चीजों को अध्ययन करके और ठोस तैयारियां की जाएंगी। सभी बीजेपी को पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। अयोध्या के लिए बीजेपी ने जितने कदम उठाए हैं वो बीजेपी ही उठा सकती है। आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विषय विचारणी है, इससे अधिक अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती। सर, बीजेपी के विधायक ने केजे अल्फोंसो का कहना है कि बनारस एक गंदा शहर है, इसको साफ करना है। कल उन्होंने सफाई के लिए मीटिंग ली थी और सफाई जो अब तक हुई है उसको समीक्षा किया पर्यटन मंत्री अल्फोंसो ने, और उसको और बेहतर सफाई और बल देना है, ये उन्होंने कहा। ये सकारात्मक बात थी, इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।